घर के आंगन में बसने वाली गौरैया शहरों से गायब हो रही हैं। गांव में तो खपरैल छप्पर के नीचे उन्हें घर मिल जाता था, लेकिन शहर कंक्रीट के जंगल में बदल चुके हैं। बनारस शहर भी धीरे धीरे गांव से दूर होता जा रहा है और गांव में बसने वाली गौरैया बनारस से। इस बात से चिंतित होकर बनारस में गौरैया पक्षी को घर वापस बुलाने के लिए 2018 से एक संस्था कार्य कर रही है, जिसका नाम है व्यग्र फाउंडेशन। नाम से ही पता चलता है कि इस संस्था के सदस्य गौरैया को घर वापस बुलाने के लिए कितने आतुर हैं। इस संस्था की शुरुआत की काशी के स्पैरोमैन नवनीत जी ने, और धीरे धीरे संस्था में सदस्य जुड़ते गए। उन सदस्यों ने अपने मित्रों, परिवारजनों और रिश्तेदारों को भी इस मुहिम में शामिल किया। गौरैया को कौन से दाने देने हैं और कैसे देने हैं, ये सब बातें व्यग्र फाउंडेशन के सदस्य लोगों को बताते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। सबसे खास बात इनकी इस मुहिम की यह है कि घोंसले देने के साथ साथ नवनीत जी लोगों को गौरैया के खाने पीने की सामग्री भी देते हैं। घोंसले के साथ गौरैया के लिए पानी का बर्तन, घास के बीज, ककुनी, बाजरा आदि भी प्रदान करते हैं। घोंसले तो बहुत लोग बांटते हैं, लेकिन नवनीत जी इन नन्हे परिंदों के खाने का और पीने का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसमें इनके इस मुहिम के प्रति लगन दिखाई देती है। और यदि आपने गौरैया के मनपसंद खाने का सामान और उसके लिए सुरक्षित जगह पर घोंसला लगाया है, तो गौरैया आपके घर ज़रूर आएंगी। व्यग्र फाउंडेशन के सदस्य हर जन्मदिन, महोत्सव, शादी के आयोजन या अन्य सामाजिक आयोजनों में भी गौरैया के घोंसले देते हैं और लोगों से मुहिम में शामिल होने की अपील करते हैं। मंदों के धनी बड़े भाई विक्रांत दुबे जी का जन्मदिन है आज। हम सभी व्यग्र फाउंडेशन के सदस्य इनके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के साथ साथ आज हम लोग बड़े भाई से गौरैया संरक्षण के लिए इनको घोंसला, पानी का पात्र, ककुनी, बाजरा ये सब सामान दे रहे हैं और बड़े भाई से आज हम लोग वचन देंगे। इस समय व्यग्र फाउंडेशन के सदस्य कई वॉलंटियर्स के सहयोग से 30 से अधिक शहरों में इस मुहिम का प्रसार कर रहे हैं। संस्था के सदस्य इस मुहिम का खर्च खुद संभालते हैं। देश के कई कोनों से लोग इनसे संपर्क करते हैं और इनसे घोंसला लेने आते रहते हैं। नवनीत जी अपनी संस्था के माध्यम से प्रयागराज व देवरिया में भी घोंसलों का वितरण करते हैं। इनके चाहने वाले व इनका सहयोग करने वाले बनारस शहर में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में हैं। तो आइए मिलते हैं काशी के स्पैरोमैन से। लेट्स मीट द स्पैरोमैन ऑफ काशी और उनसे जानते हैं कुछ खास बातें गौरैया संरक्षण के बारे में। गौरैया को कौन बचाएगा? गौरैया को कौन बचाएगा? लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आपकी संस्था घोंसले भी बांटती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 9 जून 2018 से हुई। 9 जून 2018 से हम लोग टीम वर्क करते हुए व्यग्र फाउंडेशन के बैनर तले कास्ट निर्मित घोंसला, पानी का पात्र, ककुनी व बाजरा अपने दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, परिवारजनों के यहाँ, शादी में, रिसेप्शन में, जन्मदिन पर ले जाके देने लगे और उन लोगों से अपील करते थे कि कृपया आप विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए स्वयं में आगे आइए
और ये घोंसला लीजिए, अपने यहाँ टांगिए और इनके लिए दाना पानी नियमित रखिए। ये हम लोगों ने उस दिन से रिक्वेस्ट करना लोगों से शुरू किया। कितने वर्षों से इस अभियान में आप लगे हैं, कैसा रहा है आपका अनुभव? लगभग हम ये काम 4 वर्षों से कर रहे हैं और अनुभव तो ये रहा कि शुरुआत में जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो लोग तमाम तरह से पूछते थे कि क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अब लोगों का साथ मिलने लगा है, मित्रों का साथ मिलने लगा है और ये मुहिम, ये गौरैया बचाने की मुहिम अब हम लोगों की आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। घोंसले किन किन चीजों के बनाए जा सकते हैं और घोंसले बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? घोंसले मैक्सिमम तो हम लोग लकड़ी के बनवाते हैं, यानी कि कास्ट निर्मित घोंसले बनवाते हैं जो कि प्लाई के होते हैं और उसको हम लोग प्लास्टिक पेंट वगैरह करा के इसको बनवाते हैं। कुछ लोग जो है जो मिट्टी के पात्र होते हैं, यानी कि गमले, जिसमें छोटे छोटे गमले होते हैं जो पौधे जिसमें लगाए जाते हैं, उनको उल्टा करके भी घोंसले बनाए जाते हैं। लेकिन हम लोग प्लाई के ही घोंसले बनाते हैं जो कि बढ़िया देखने में भी बढ़िया होते हैं और लंबा चलते भी। क्या सिर्फ घोंसले लगा देने से किसी के घर में गौरैया आ जाएंगी या उसके लिए कुछ और विशेष बातों का ख्याल भी रखना होगा? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि घोंसले तो कई लगाए पर चिड़िया कभी नहीं आई। केवल घोंसला लगा देने मात्र से ही चिड़िया नहीं आएंगी, ये सही बात है। घोंसला लगाने का जगह उपयुक्त होना चाहिए। घोंसला लगाने, जहां घोंसला लगाते हैं उसकी हाइट मिनिमम 8 फुट होनी चाहिए और ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि मैं जहां घोंसला लगा रहा हूं वो घोंसला बड़ी चिड़ियों से, बंदर से या तमाम तरीके से वो सुरक्षित है, तभी गौरैया आएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि उनको यदि आप नियमित पानी दे रहे हैं, उनके लिए नियमित दाना रख रहे हैं, घोंसला लगाए हुए हैं और उनके लिए उनका एक माहौल दे रहे हैं, सुरक्षित स्थान दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि निश्चित ही गौरैया आएंगी और आएंगी। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आपकी भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की यही योजना है, यानी कि व्यग्र फाउंडेशन की यही योजना है कि हमारा प्रयास हर घर गौरैया प्रवास। अंत में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान की जनता से चाहूंगा कि हर व्यक्ति विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए स्वयं में आगे आवे। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए व्यग्र फाउंडेशन ही कार्य करेगा, आप भी आवे। और मैं विशेष करके नौजवानों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए आप खुद आगे आवे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। इन नन्हे परिंदों की चहचहाट से नवनीत जी का घर गूंजता रहता है। उनके द्वारा स्थापित व्यग्र फाउंडेशन के सदस्य फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से भी लोगों तक अपनी मुहिम को पहुंचाते रहते हैं। आप भी उनसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक लिंक्स व अन्य जानकारियों के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। लोग नवनीत जी को अतुल नाम से बुलाते हैं और वाकई इनके कार्य अतुलनीय, सराहनीय व अनुकरणीय भी हैं। आशा है कि आप अतुल जी से प्रेरित होंगे और अपने आसपास के पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूक भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।